आपको बताएं कि असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी उठा ली गई है। 10 से 16 जून तक असातिज़ा तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ परवेज, बताइए इस हवाले से डिटेल्स। जी, असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है कि महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तबादलों पर से पाबंदी उठा ली गई है और तबादलों के लिए जो है शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 10 से 16 जून तक असातिज़ा तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकेंगे, जबकि 17 से 20 जून तक PIT भी जो है पहली वेटिंग लिस्ट तैयार करेगा। 22 से 25 जून तक मुतलका अथॉरिटी से सीटों की तस्दीक की जाएगी। 8 जुलाई तक तबादलों के ऑर्डर तैयार होंगे और 9 जुलाई को तबादलों के अहकाम जारी किए जाएंगे। 10 से 17 जुलाई तक जो है असातिज़ा अपनी नई पोस्टिंग पर ज्वाइनिंग देंगे और जो नई पॉलिसी जारी की गई है महकमा स्कूल एजुकेशन की जानब से, उस पर असातिज़ा की जानब से कुछ तहफ़ुज़ात का भी इजहार किया गया, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि इसी पॉलिसी के तहत जो है असातिज़ा के तबादले किए जाएंगे। इस साल जो है पहली दफा जो असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाई गई है और महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि ये तबादलों का पहला राउंड है। जी शुक्रिया आतिफ परवेज।